Very good evening, guys. Welcome to Resha Maya's Academy's YouTube channel. So, guys, we have this article from The Hindu, The Left's Centrist Conundrum. PSIR ke point of view se thoda article hai, political science ki ideologies ke cases mein. थोड़ा सा पहले समझिएगा कि जो लेफ्टिस्ट विजन है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें या ऑल ओवर पूरी दुनिया में बात करें, तो जो सोशलिस्टिक विजन है या जो कम्युनिस्टिक विजन है, हालांकि कम्युनिज्म जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो वो एक मॉडरेट ब्रांड है. यहां बात हो रही है कि लेफ्ट का जो ये सेंट्रिस्ट कनंड्रम है, जिसकी वजह से अक्सर ये सिनेरियो देखा जाता है कि जो इंडिया में सोशलिज्म की पॉलिसीज हैं वो सेंटर टू लेफ्ट हैं या लेफ्ट टू सेंटर हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, देर वॉज अ टाइम इन द पास्ट, खास करके अगर हम इंडिया के कोल्ड वॉर एरा की बात करें, तो इट वॉज अ पार्टी क्लियरली ओरिएंटेड लेफ्ट टू सेंटर, सोशलिज्म टू लिबरलिज्म की तरफ था. बट देन ओवर टाइम, खास करके कोल्ड वॉर के बाद एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जब हुआ, तो डेफिनेटली पूरे देशों के अंदर जो आइडियोलॉजिकल, मैं कहूँगा कि फ्रेगमेंटेशन जो आई है, तो उसकी बदौलत इंडिया का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है लेफ्टिज्म के नाम पे, फिर चाहे वो कांग्रेस है और फिर चाहे वो सीपीआई है, तो काफ़ी सारी बदली हैं. थोड़ा सा पहले पंचलाइन हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्यों और किस लेवल की जो कनंड्रम के बारे में बात हो रही है. पंचलाइन कहती है कि पॉलिटिकल रियलिज्म डिमांड्स रिकॉग्नाइजिंग दैट ए पॉलिटिकल पावर इज वाइटल फॉर मॉरल पोजिशंस टू हैव एफिकेसी. ये लाइन बिल्कुल वैसी है कि देखो, अगर कहीं ना कहीं आपको कोई बात अगर कन्वे करवानी है, देखो जी, उसके लिए पावर तो चाहिए, खास करके उन मॉरल पोजीशंस के लिए. आगे लिखा है कि नथिंग मेड दिस मोर एविडेंट देन द हेल्पलेसनेस ऑफ लिबरल्स एंड द लेफ्ट ओवर द लास्ट डेकेड. इस बात को और भी ज्यादा पूरा कर दिया इस केस ने, जो पिछले दशक में हमें जो एक हेल्पलेसनेस दिखी है लिबरल्स के कॉन्टेक्स्ट में और लेफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में, वो इस बात को और भी ज्यादा टेस्टिफाई करती है कि पॉलिटिकल पावर कितनी जरूरी है, वाइटल है मॉरल पोजीशंस के लिए, अगर वो एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, या जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो लेजिटिमेसी अगर चाहते हैं. चलिए थोड़ा सा समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर. द टर्म सेंट्रिस्ट हैज रिसेंटली इमर्ज्ड टू रेफर टू ए पॉलिटिक्स दैट इज नीदर फॉर्मली राइट विंग नॉर लेफ्ट विंग. हालांकि अगर आप PSIR की बात करें, तो जो पॉलिटिकल लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, पांच आइडियोलॉजीज का जिक्र हम उसमें करते हैं, जो सेंटर में रहती है वो लिबरलिज्म है. अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो सोशलिज्म आएगी एंड देन फॉलोड बाय कम्युनिज्म, और अगर राइट की तरफ चलेंगे तो वी विल बी हैविंग द कंजर्वेटिज्म एंड फॉलोड बाय फासिज्म. तो सेंट्रिस्ट जो टर्म है वो आज की डेट में कहते नया जो बज वर्ड पकड़ रही है, ना तो कहते प्रॉपरली राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है. लेवल्ड बाय सम सेल्फ आइडेंटिफाइंग लेफ्टिस्ट इन डिबेट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द लेबल इज इंटेंशनली डेरोगेटरी एंड स्कॉर्नफुल, क्योंकि एट बेस्ट इट सिग्निफाइज द मॉरली ड्यूबियस एंड कोवर्डली पॉलिटिक्स ऑफ लिबरल्स इन द फेस ऑफ राइट विंग असॉल्ट्स ऑन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ट्रूथ, जस्टिस एंड सोशल प्रोग्रेस. और ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत, मैं कहूँगा कि कोर थीम्स थे, अगर मैं राइट विंग या लेफ्ट विंग की बात करूँ. पर लिखा ना उन्होंने कि सेल्फ आइडेंटिफाइंग लेफ्टिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर, बल्कि इस लेबल को ब्रांड इस तरीके से किया है कि ये तो बहुत डेरोगेटरी है और बहुत स्कॉर्नफुल बात है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत ही मॉरली ड्यूबियस और कोवर्डली पॉलिटिक्स है लिबरल्स की, खास करके उस समय पे जब आपके अटैक्स हो रहे हों डेमोक्रेसी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, फ्रीडम, ट्रूथ और जस्टिस जैसे प्रिंसिपल्स के ऊपर.
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एट वर्स्ट सेंट्रिज्म इज सीन एज टैसिटली कंप्लिसिट इन दीज असॉल्ट्स इवन एज देयर प्राइम इनेबलर। वो तो यहां तक भी कह दिया कि आपका ये जो सो कॉल्ड लेबलिंग है, ये बल्कि ऐसे केसेस को बढ़ावा देने में आपने खुद रोल प्ले किया है, और बल्कि यहां तक भी कहा कि आपकी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही शुरू हुआ है। सो देयर फोर डिस्पाइट पोजिंग द राइट विंग, दीज लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स ऑफ्टन स्पेंड मोर टाइम डिनाउंसिंग सेंट्रिस्ट हु दे व्यू हैज इक्वल और इवन ग्रेटर एडवर्सरीज टुडे। ये लाइन इस पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट आपको बयान कर देगा कि कहाँ तो उनको राइट विंग को अपोज करना चाहिए था इन लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स को, पर उन्होंने कहा कि ज्यादा समय ये इन सेंट्रिस्ट लोगों को डिनाउंस करने में बताते हैं, जो कि लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स के लिए उनके बराबर के ही एडवर्सरीज हैं राइट विंग के, और बल्कि उससे भी ज्यादा। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपने इस आर्टिकल का समझा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सम इंडिविजुअल्स हु सेल्फ आइडेंटिफाई एज नीदर राइट नॉर लेफ्ट विंग इंडीड एग्जिबिट अ मॉरली ड्यूबियस सेंट्रिज्म। पियर ऑब्जेक्टिव एंड नॉन पार्टिजन दे इंडल्ज इन एन ऑल साइड्स प्लीजिंग टाइट रोप, तो कॉन्सिक्वेंटली दे मेक फोर्स्ड एंड फॉल्स मॉरल इक्विवेलेंसेस, ताकि लगे कि दे काइंड ऑफ बिलीव ऑल दी आइडियोलॉजीज, गिव इक्वल वेट इलिबरल एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइसेस एंड लिबरल डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वंस, एंड डिस्प्ले अ मॉरल न्यूट्रलिटी इन सिचुएशंस डिमांडिंग क्लियर मॉरल पॉलिटिकल जजमेंट। कि वो काइंड ऑफ ऐसा प्रोक्लेम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं दैट दे आर क्लियरली सेंट्रिस्ट एंड दे डोंट बिलीव इन, और वी कैन से दे विल नॉट कमेंट ऑन एनी ऑफ द इश्यूज। सो सच मॉरल फ्लिम्जीनेस सीड्स ग्राउंड इलिबरल एक्सक्लूजनरी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फोर्सेस, जिसका नुकसान फिर कल को जो है देश भुगतता है। क्योंकि देखो, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अब अगर एक सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट जो बंदा है, अगर वो अपना कोई एक फर्म स्टांस अगर ले ही नहीं पा रहा किसी भी ओपिनियन के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसमें कोई दोराई नहीं कि फिर उसकी जगह जो है वो इलिबरल वॉइसेस आके ले लेती हैं, एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स आपके फिर आके जो है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो सफर करती है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सफर करती है। दूसरा टाइप भी है, सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रिज्म इज मोर सिनिस्टर, यूजिंग द नेम ऑफ लिबरल मॉडरेशन बट रेडिली सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्लूरलिज्म जस्टिस ट्रूथ एंड लिबर्टी, एंड दिस कोल्यूड्स विद इलिबरल इनइक्वालिटी प्रमोटिंग एक्सक्लूजनरी अथॉरिटेरियन एंड इवन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज। ऑथर कह रही है कि वो उनके ही बल्कि बराबर की ही बात है। बट हाउ एवर सम लेफ्टिस्ट ऑन सोशल मीडिया pejoratively use the term centrist, criticize a third type of politics, one embodied by individuals who grasp the need to avoid extremes to build collisions, which they recognize are essential to defeat their primary ideological adversary and realize their constitutionally driven ideologically vision. जो उन्हें लगता है कि मतलब वो अपना स्टांस ये मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे कहीं ना कहीं जो दोनों एंड्स के ऊपर एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस आपके जो प्रिवेल करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या मार्केट के अंदर, उन्हें लगता है कि फिर वो ना तो कोलिजन्स बना पाएंगे ना ही मीनिंगफुल सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि वो ना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन है जो उन्हें लगता है कि हाँ हम ऐसा करके बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं। अ फर्म कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पॉलिटिकल रियलिज्म लीड्स सच इंडिविजुअल्स टू रिजेक्ट आइडियोलॉजिकल प्योरिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म। सो दे आर डेलिबरेट, जान करके जो कहते हैं उन्होंने रिनंसिएशन किया है ऑफ प्योरिटी एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एन एडॉप्शन ऑफ ए प्रूडेंट सेंसिबल पाथ टू
रियलाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनली गाइडेड आइडियोलॉजिकल विजन टू विच दे रिमेन कमिटेड। अब सवाल ये है कि पीछे आपने इस बात को देखा कि ये तो बल्कि एक और सिनिस्टर वर्जन है इस बात का, ये तो बल्कि और एक बुरी बात है। पहले तो आपने फिर भी देखा कि वो लोग अपने आप को सब में इन्वॉल्व करते हैं, ये दूसरा जो वर्जन आप देख रहे हो ये तो कह रहे हैं कि अपने आप को सब में इन्वॉल्व करते ही नहीं। आगे लिखा है कि कमिटमेंट टू पॉलिटिको मॉरल आइडियल्स मेक्स दीज सेंट्रिस्ट रिजेक्ट प्योरिज्म। दे नो that while idealism is often crucial to inspire all progress, utopian purism has reduced an ideological and political group to a radical but politically irrelevant sect today. और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इतिहास ने उनको ये सिखाया है कि आज की डेट में अगर वो यूटोपियन प्योरिज्म की बात अगर करते रहेंगे दोनों ही तरफ, अगर वो लिबरलिज्म की बात करेंगे तो ना तो पूरी तरह से फ्री मार्केट सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट होगा, और अगर वो ये चर्चा करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इन्वोक नहीं कर पाएंगे लोगों के सेंटिमेंट्स को, जिसकी वजह से पॉलिटिकली इररेलेवेंट रहेंगे। और अगर बहुत ज्यादा कम्युनिस्टिक यूटोपिया की बात करते रहेंगे जैसे कि मार्क्सिज्म करता था तो भी इररेलेवेंट रहेंगे। एंड दैट सेल्फ डिफीटिंग सेक्टेरियनिज्म थ्वार्ट्स द अलायंस बिल्डिंग विच इज नेसेसरी टू डिफीट द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू वन्स आइडियोलॉजिकल मॉरल विजन्स। और ये किनके, जो उस वैक्यूम को भरने के लिए फिर लोग आपके आ गए, क्योंकि ये लोग तो उसमें पार्टिसिपेट अगर कर नहीं रहे तो फिर ऐसे में वो अलायंस बिल्डिंग भी नहीं हो पाती जो कि बहुत जरूरी है। मॉरल प्योरिटी इज रिलेटिवली ईजी वेन नॉट सीकिंग पावर। Choosing not to seek political power is often viewed as a moral virtue, indicating disinterest in corrupting power. But however, इस बात को समझ लेना चाहिए, political realism ये demand करता है कि political power is vital for moral positions to have efficacy, and nothing made this more evident than the helplessness of liberals and the left over the last decade. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को रिनाउंस कर दिया कि नहीं दे आर नॉट सपोज टू ऑक्यूपाई द पोजीशंस ऑफ द पावर, देन उनकी जगह फिर किसने ली? इलिबरल पॉलिटिक्स ने ली, मॉरली करप्ट पॉलिटिक्स ने ली, जिसकी वजह से पूरे देश ने सफर किया। और बल्कि आगे लिखा भी है कि देयर मॉरल आउटक्राइज अगेंस्ट द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019, द बिल्डिंग ऑफ ए राम टेम्पल एटॉप ए डिस्ट्रॉयड मॉस्क, the vilification of Muslims and other aspects of the unfolding Hindutva revolution had little effect without our backing them. क्योंकि वाकई कुछ मिला नहीं ना, जो बातें बोल तो रहे थे, कंटेंट तो सही है, पर कहीं ना कहीं वो इन्वोक नहीं हो रहा। So power is crucial to enforce moral visions as well. And gaining power requires identifying allies, building coalitions, making limited compromises, and rejecting ideological purism. जो गलती उन्होंने पिछले दशक में की अपने आप को सेंट्रिस्ट ब्रांड करके, जो हमने पहले दोनों सिनेरियोज आपके ऊपर पढ़े, ये उसका एक नतीजा बता रहे हैं जो उन्होंने सफर किया और उसके बाद में एट लास्ट जो उनको करना पड़ा। So in the past decade, some leftist individuals criticized the Congress as centrist. Some aspects of the party's history legitimatize this criticism, but the Congress has also successfully represented, as Yogendra Yadav once said, a centrist coalition of social groups, classes, and regions which accommodates conflicting visions of India without giving in any extreme and stands for a non-majoritarian way of creating electoral majority. और ना सिर्फ उन्होंने ऐसा किया था पर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। इस पिछले दशक से अगर हम इससे पीछे जाएं, अगर हम इस न्यू मिलेनियम के पहले दशक की बात करें, 2004 onwards, अगर आप कांग्रेस की कोलिजन गवर्नमेंट की बात करोगे, वाकई वो कोलिजन जो है वो बहुत ही कंफ्लिक्ट और बहुत ही डाइवर्स ओपिनियंस के लोगों का था, जो इस बात को एक्सप्लेन करता है। अगर वो पूरी तरह से सेंट्रिस्ट होते तो वाकई फिर वो अलायंस बिल्डिंग हो ना पाती। पर हाँ, आज की डेट में जब लोग उसे, कई लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल्स जब उन्हें ब्रांड कर रहे हैं कि आप सेंट्रिस्ट हो, उनके लिए वाकई मुश्किल हो रहा है।
आगे फिर ऑथर लिखती हैं कि इफ द कांग्रेस इंटरमिटेंट एडॉप्शन ऑफ ए प्रॉब्लमैटिक सेंट्रिज्म इनेबल्ड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस क्यों आई वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब आप पावर को नहीं लेना चाह रहे, या आप अगर पूरी तरह से, अगर मान लीजिए साइडलाइन हो रहे हो, फिर जो इलिबरल फोर्सेस हैं वो आपकी राइज हो रही हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा इसको कि इफ द कांग्रेसेस इंटरमिटेंट अडॉप्शन ऑफ ए प्रॉब्लमैटिक सेंट्रिज्म इनेबल्ड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस एज सम आर्ग्यू देन इट्स चैंपियनिंग ऑफ अनदर प्रिंसिपल्ड सेंट्रिज्म पैराडॉक्सिकली कैप्ट सुप्रीमेसिस्ट हिंदुत्व नेशनलिज्म एट बे अंटिल द 1980s। द सक्सेस वॉज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय हिंदू महासभा लीडर्स एडमिटिंग दैट द एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इज विद गांधी जी एंड हिज मूवमेंट। द जनसंघ एंड द बीजेपी नेशनल वोट शेयर ऑफ रफली 3 to 11% टिल 1989 similarly highlight the centrist congress's success at keeping hindutva ethno-nationalism at bay. The congress's 19.3% national vote share even at its lowest nadir in 2014 means ki it remains the primary political force which is capable of challenging hindutva supremacism nationally. और देखा जाए, अगर मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करूं, 2024 में वाकई अगर देखा जाए तो वो उभरे भी जो उस सो कॉल्ड ब्रांड ऑफ द हिंदुत्व पॉलिटिक्स को ना सिर्फ चैलेंज कर पाए पर लोगों में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो वेव है वो पहुंचाई भी उन्होंने। मीनवाइल अगर हम कहें, इवन व्हेन द सीपीआई वाज मोर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग 1951 टू 89 इट्स वोट शेयर होवर्ड बिटवीन 2.5% एंड 9.94%। And since 1999, अगर देखें, the CPI has declined steadily, ending with 0.49% of the national vote and two Lok Sabha seats only in 2024, which definitely is a lesson, is a, I shall say, a very influential lesson by the people of the India that extreme left and extreme right is something that people are not going to accept. So the Hindutva ideological project has been actualized via state power. इसमें कोई दोराई नहीं पिछले 10 साल में। While people's power is highly significant in a democracy, state power on the other hand is indispensable to ensuring that polity remains a humane constitutional democracy and does not turn inhumane unconstitutional authoritarianism. पर सवाल ये है कि स्टेट पावर ने ऐसा किया नहीं कि पॉलिटी जो है वो ह्यूमेन रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रहे, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म ना हो जाए, बल्कि उल्टा हुआ। तो लास्ट में लिखते हैं कि गिवन द इलेक्टोरल इररेलेवेंस एंड पॉलिटिकल इनएफिकेसी ऑफ द लेफ्ट आई इमेजिन दैट टू हॉल्ट द हिंदुत्व जगरनॉट many left-leaning Indians were compelled to rely on in the 2024 elections किसके ऊपर, वही centrist force के ऊपर जिसको उन्होंने बार बार castigate किया था over the last decade, जिसको उन्होंने बल्कि brand किया था कि these people are not taking any stance. So this awkward reliance begs serious questions. क्या will such individuals re-evaluate their ideological purism and their uncharitable judgments of others who are less purist? क्या वो accommodate करेंगे? क्योंकि अब अगर उन्होंने खुद अपने आप को बदल लिया तो क्या वो मौका देंगे? Might renouncing such self-defeating purism open a path to a less sectarian and more ally-friendly, nuanced, innovative and politically effective left-wing progressivism in India, जिसकी जरूरत हमें वाकई आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हालांकि क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर लोग अपने इस self-defeating purism को वाकई अगर रिनाउंस करें, हो सकता है कि एक रास्ता खुली जाए जो थोड़ा सा सेक्टेरियन ना हो, ally friendly भी ज्यादा हो, nuanced हो, innovative हो और politically effective हो, जिसकी झलक हमने 2024 इलेक्शन के रिजल्ट्स में वाकई एक देखी भी है। इंडिया ब्लॉक इस बात का आंसर है।
कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट और अगर आप एक्सट्रीम राइट की बात करोगे तो देन इंडियन डेमोक्रेसी विल नॉट लीव यू एंड विल नॉट फॉरगिव यू। इस बात आंसर जो है 2024 के इलेक्शंस ने दिया। तो जो आर्टिकल का टाइटल है वो कितना एप्रोप्रिएट हो जाता है कि ये जो लेफ्ट का सेंट्रिस्ट कनंड्रम है या था आज की डेट में, वो एक बार फाइनली फुल सर्कल जो है वो पूरा हुआ। और इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने कितनी बेहतरीन बात आपको बताई। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन इलेक्शंस इन द अर्ली 1950s, अगर हम लेफ्ट के एंगल से देखें जहाँ पे वोट शेयर उनका होवर कर रहा था, और आज की डेट में 24 तक पहुंचते जो सिर्फ आपका 0.49% रह गया, इज अ क्लियर कट आंसर, इज अ क्लियर कट लेसन। और एंड ऑल्सो इट हैज एक्सप्लेन कि आज की डेट में उस सेंट्रिस्ट कनंड्रम के जरिए ही आपको एक पॉलिटिकली इफेक्टिव, एक नॉन सेक्टेरियन और एक अलाय फ्रेंडली, एक नुएंस्ड, एक इनोवेटिव पॉलिटिकल रियलिटी को बनाना है और देश की पॉलिटिक्स को, खास करके इंडिया जैसे देश में जहाँ पे डाइवर्स इंटरेस्ट हो, हम तभी आगे लेके चल सकते हैं। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ द पीपल दैट वी हैव हु आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी, हु आर स्टिल अंडर द लाइन ऑफ द बीपीएल एंड हु आर स्टिल हैविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। क्योंकि जस्टिस, वेलफेयर, डेमोक्रेसी, ट्रूथ, अगर यही आपके सफर होंगे जो हो रहे थे, तो देन वाकई एक बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जो हमने अभी एक लाइन पढ़ी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसकी झलक हमने थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखी भी। बट फाइनली इट इज दी, आई शेल से, मॉरल क्लैरिटी कहूंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हमारे देश के इंडिपेंडेंट इतिहास में लोगों ने, भारतीय लोगों ने ऐसा करके दिखाया है जहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया है और एक दफा फिर से उन्होंने ऐसा किया। सो दिस आर्टिकल इज अ टेस्टिमनी टू दैट। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। So thank you so much guys for watching, and if you are new to the channel guys and you like the content that we produce for you, we do the analysis for you, so if you like it then you can consider subscribing the channel guys. You can also like the video, you can share the video with the other people. Thank you so much for watching, so we will see you in the next video. Take care.